सच का साथ। इस वक्त की खबर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आ रही है। लॉकडाउन के बीच राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद में दबंग कोटेदार का भ्रष्टाचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से हड़कंप मच चुका है। लॉकडाउन के बीच राजधानी लखनऊ के सटे बाराबंकी जनपद में दबंग कोटेदार के भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाराबंकी में कोटेदार किस तरह गरीबों और जरूरतमंदों के हक का डाका डाल रहे हैं। पूर्ति विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला ये वीडियो बाराबंकी नगर क्षेत्र के गयास नगर का है, जहां ग्राम सभा बड़ेल के कोटेदार राम सरन द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो की जगह 30 किलो राशन दिया जा रहा था। कयास नगर में ही रहने वाले अंतनान शेख नाम के युवक ने जब दबंग कोटेदार रामसरन की इस मनमानी का विरोध करते हुए उसे पूरा राशन देने को कहा तो कोटेदार अपना आपा खो बैठा और अदनान के साथ मारपीट करने लगा। भाई आपको क्या समस्या है यहाँ पर? हमको 35 किलो राशन नहीं देते हैं, रामसरन नाम है कोटेदार जी का। और दूसरी बात, सबको 35 किलो जिसको जिसको देते हैं, अगर हमने शिकायत इस पे की कि आप हमको 35 किलो दीजिए तो इन्होंने कहा कि किसको दिया है और ये वो, ऊपर से लड़ाई भी कर रहे हैं हमसे और 30 किलो राशन दिया है हमको, और जब मारपीट हो गई, मार भी खाए हैं और ऊपर से बाद में 35 किलो दिए, बाद में तौले हैं। और दूसरी बात, रोजा थे हम, हमको गाली दिए और मारिन भी हैं और लड़ाई भी करे हैं कायदे से, और सब हमारे महल्ले से बोल रहे हैं तो उनको भी मारिन और डंडा डंडा दिखा के लाठी अटी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कोटेदार। ये किसको किसको मारा है, नाम बताइए। हमको मारीन है सबसे मेन, हमको कम देते तो हम ही ने बोला था तो हम ही को मारीन है सबसे पहले। और राशन कार्ड हमारे हाथ से छीन के अपने पास रखे हैं और राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड नहीं देंगे। ये है वो हो गया, ये वो हमारे हाथ से छीन ही नहीं। और कौन कौन थे उस टाइम मौजूद? हमारे भाई थे, क्या नाम है? आशान। और हमारे बड़े भाई भी थे और महल्ले के भी कई सदस्य थे जो बोले थे, और बचाने और हाथापड़ी में कुछ लोग बचा रहे थे हमको, तो उनको लोग को भी मारी है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।